मेरा आपको कुछ चाहिए? स्टिचेस, पेन है हल्का सा। मैं आपको दवाई देती हूँ। आपको पता है इनमें से कौन सी दवाई है? जोया को पता है, तुम प्लीज उसे फोन करके पूछ लो। मैं बस लाके आती हूँ जोया को, एक सेकेंड ना, मैं बस ला। क्या? जोया अभी तक यहीं है? वो मेरे रूम में, मैं बुला के लाती हूँ। उसे तो अपने घर होना चाहिए था। मैं बस बुला के लाती हूँ, आपको दवाई लेनी चाहिए। मैं बुलाती हूँ जोया को। आयन, वो जोया मेरे रूम में नहीं है। तो देखो यहीं पे होगी कहीं पे। मैंने पूरे घर में देखा, वो कहीं नहीं है। पूरे घर में नहीं है। आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। प्लीज, आपको डॉक्टर ने मना किया है, प्लीज अब बेड चाहिए आराम के लिए। मतलब कहाँ है? मुझे उसे ढूंढना है। सुनिए मेरी बात, मैं देखती हूँ जोया को, आप लीड चाहिए। प्लीज, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं देख। हम आपका इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि इस निकाह के जोड़े में हम कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? जेमी, आप एक काम करिएगा, आप भी इसी कलर की अपनी शेरवानी बनाएगा। कम से कम आपका एक निकाह तो कायदे से होना चाहिए। मेरी नोम, तुम्हारी इस बकवास से मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया। अगर मुझे पता होता कि तुम पागल होने वाली हो तो मैं तुम्हें अपने घर की चाबियां कभी नहीं देता। कल ही सब कुछ चेंज करा लूंगा। प्लीज गेट आउट। जेमी, आपको क्या लगता है, ताले बदलने से तकदीर बदल जाएगी? नहीं जेमी, आपकी तकदीर में तो सिर्फ हम ही लिखे हैं। सिर्फ हम। खैर ये सब छोड़िए, आप तो सिर्फ ये बताइए कि कौन सा जोड़ा हम पर अच्छा लगेगा, ये वाला या फिर ये? देखिए ये पिंक कलर तो बहुत अच्छा है वाला। तनवीर, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, मैं सिर्फ सोया का हूं। वो नहीं जैमी थे, अब आपकी मिस जोया फारूकी, मिसेस आयान अहमद खान बन चुकी। वैसे जेमी, आपकी जोया फारूकी अगर सिर्फ आपकी जोया है तो इस वक्त आपके पास क्यों नहीं है? उसे तो निकट के निकाह के बाद आपके पास आ जाना चाहिए था ना। हाय अल्लाह, अभी तक आपके पास नहीं आई। अरे हाँ, आप तो अभी अभी उससे मिलकर आ रहे हैं। क्या हुआ, खाली हाथ आ गए?
आपकी जोया फारूकी आपके साथ नहीं आई? कैसे जर्मी, कोई भी अपने मुकद्दर से जीत नहीं सकता, आप भी नहीं। अब आप मान लीजिए कि आपके मुकद्दर में सिर्फ हम हैं। तनवीर, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा, और जो आप चाहते हैं वो भी कभी नहीं होगा। हम तो सिर्फ एक रात आपके साथ रहे थे, तब आपकी जोया को आपकी शक्ल देखना गवारा नहीं था। तो जरा सोचिए जैमी, आपको क्या लगता है कि आप अपनी जोया को अपना पाएंगे ये जानने के बाद कि वो न जाने कितनी रातें अयान के साथ रही है, उसकी बीवी बनकर? एक ही बिस्तर में मुझे फिर से नजर आई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम एक बच्चे की मां बनने वाली हो। I'll call the police. I'm not joking. जैमी सुनिए, जैमी, हाय, तनु बदनाम हुई जैमी तेरे लिए। देखो, मैं देखती हूँ जोया को, आप प्लीज लेट जाइए, सब जाग जाएंगे। मैं देखती हूँ जोया को वापस। वो कहीं किचन में तो नहीं गई? नहीं, मैंने देखा किचन में, वो नहीं है वहाँ पे। मैं बाहर जाके देखती हूँ, प्लीज आप लेट जाइए। प्लीज मैम, प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज मैं देखती हूँ जोया को, वो बाहर मैं देख के आती हूँ। जोया, तुम यहाँ तूफान में बाहर क्या कर रही हो? क्यों आए तुम बेड से उठ के? वो हमारी फिक्र हो रही थी। अयान, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। चलो अंदर आओ। हाँ चलो। तुम ऐसे कैसे लापरवाही बरत सकते हो? जोया बाहर क्या कर रही थी? वो एक्चुअली मैं बाहर चली गई और दरवाजा अंदर से बंद हो गया। ध्यान से बेल करके मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और मेरा फोन भी अंदर रह गया था। कैफू, क्या आप बाहर कब से थी? इसका ध्यान आपको होना चाहिए था, आपको ख्याल रखना चाहिए था कि जो है बाहर रह गई है। लामिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू रॉबर्ट? एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से गुस्सा हो रहा है। सलमान खान मत बनो, समझे? चलो अब खामोशी से। मुझे सिर्फ 7 दिनों की जरूरत है, मेरा इन 7 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों भूल रही हो कि जोया ने तुम्हारी जगह ले ली? कौन जाने कि जोया ने ही अयान के साथ निकाह करने के लिए कोई खेल खेला हो। आराम से, आराम से, आराम से। जोया, तुम सुबह ही चले जाना चाहिए था भाईजान के पास। अयान, खामोशी से सो जाओ। मैंने कहा ना, तुम जैसे ही ठीक हो जाओगे मैं चली जाऊंगी। तुम्हारे पास रुकने का कोई शौक ही नहीं है मुझे, समझे?
सोया मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत लोग हैं घर पे, मम्मी है, मेरा है, नुजत है, सब है, लेकिन तुम्हें भाईजान के पास होना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। ओहो अयान, एक तुम जिद्दी बहुत हो। सोया अयान छोड़ो फोन जरा प्लीज। क्या बात है, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है भाईजान, सब कुछ ठीक होने के लिए आपको जोया को यहां से ले जाना होगा। खैर जो कुछ भी हुआ वो हुआ, आप प्लीज कल सुबह आके जोया को यहां से ले जाइए भाईजान। आयान नहीं भाईजान, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, और वैसे भी भाईजान सोया के यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ ये आपके लिए और सोया दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, और जब दिल और धड़कन ये दोनों अलग होते हैं तो तकलीफ दोनों को होती है। और वैसे भी हम जितनी देर लगाएंगे बात उतनी उलझती जाएगी। अगर आप सोया के लिए निकल नहीं आएंगे तो देखिए मैं खुद आ जाऊंगा उसे छोड़ने। तुम कहीं नहीं जाओगे समझे? तो फिर भाईजान आपको कल किसी भी हालत में आना होगा। भाईजान मैं कुछ नहीं सुनना चाहता आपको, मेरा वास्ता। ठीक है, कल सुबह आप लेने आएंगे, तैयार रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इतनी सुबह हो गई है, फरहान अब तक नहीं लौटे हैं, कहाँ चले गए? कल रात तो इस इलाके में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, फिर फरहान के कपड़े गीले कैसे? आखिर ये गए कहां थे? जी नहीं,
अम्मी अगर आपने मुझे बोला होता कि आपको दरगाह जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर देता। नहीं दर चुके, अब आप ध्यान से जाइए। जी जब तक आप वापस आएंगे मैं जोया को घर ले आऊंगा। एक्चुअली मैं अभी वो नहीं पिकअप करने जा रहा। जी अल्लाह हाफिज। या अल्लाह इतनी बेरुखी, आप तो हमारा दिल तोड़ रहे हैं। चामी तनवीर तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। चले जाओ यहाँ से। अब तो जिंदगी भर आपको ये खूबसूरत चेहरा देखना है। आदत डाल लीजिए। तनवीर प्लीज मुझे कुछ ऐसा करने पर मजबूर मत करो जो मुझे नहीं करना चाहिए। ओहो जैमी, अब इतनी भी क्या बेरुखी है। हम जानते हैं कि आप जोया को लेने के लिए जा रहे हैं। इतने नेक काम के लिए जा रहे हैं जैमी, फिर इतना गुस्सा क्यों? जैमी हाथ हमारा थमा हुआ है और साथ जोया का चाहते हैं। तो मैं ऐसे नहीं मानूंगी। इंस्पेक्टर जी हाँ प्रॉब्लम है, आप किसी वक्त आ जाइए। नुसर अगर अम्मी को पता चल गया ना कि तुम स्कूटी लेकर बाहर निकली हो तो अम्मी तुम्हारी ऐसी पिटाई करेंगी ना कि तुम हमेशा याद रखोगी। अरे बाजी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं अम्मी को संभाल लूंगी। और वैसे मैं आपको बहुत मिस कर रही थी इसलिए आ गई। और अम्मी ने हलवा बनाया था ना तो वो देने के लिए भी आना पड़ा। बहुत बढ़िया किया बेटा है, माशाल्लाह क्या हलवा भेजा श्री ने। अगली बार एक डिब्बा नहीं दो दो डिब्बे भेजे। अच्छा बाजी मुझे निकलना है, कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। संभल के जाना बेटा है जी। बार बार आना हलवा लेकर। नजमा तुम कहाँ जा रही हो? हाँ बेटा ये हलवा जाके ना फ्रिज में रख दो, नहीं तो मैं सारा ही खा जाऊंगी, सुबह काम आएगा। हाँ बाजी मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। और वैसे भी थोड़ी सी बारिश होती है आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जब बारिश का मौसम आएगा ना तब मैं अपना ख्याल रख लूंगी। अरे हाँ यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है, पर हमारे वहां ना कल रात से बहुत बारिश हो रही थी। क्या कल रात से वहां पे बहुत बारिश हो रही है? हाँ खास करके लेक के पास में इतना ज्यादा बारिश हो रही थी। मेरी फ्रेंड है ना सपना, वो कार लेके आई थी, वो खुद फंस गई थी वहां पे। बार बार फोन करी थी आजा आजा पर मैं जा ही नहीं पाई। बाजी मुझे जाना है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। संभल कर जाना जी। क्या ऐसा हो सकता है कि फरहान कल रात को लेक की तरफ गए हो? पर वो इतनी रात को वहां क्यों जाएंगे? ऐसा क्या है वहां? अयान मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा तुम घर वालों से क्या कहोगे। मोना तुम जितनी बार मुझसे ये सवाल पूछोगे मेरा जवाब वही होगा। यहाँ पे क्या होगा उसके बारे में तुम बिल्कुल मत सोचो। तुम फिलहाल
सिर्फ भाईजान के बारे में सोचो और चलो कम ऑन, यू रनिंग लेट, पौने दो हो गए ऑलरेडी। 2 बजे भाईजान चौक से पिकअप करने वाले राइट, तो चलो जल्दी करो। थैंक यू रॉबर्ट। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सलमान खान की सीक्रेट कॉपी, लेकिन फिर भी सलमान खान का सबसे बड़ा फैन मैं हूँ। तुम बीमार हो इसलिए छोड़ रही हूँ, नहीं तो एक बार फिर साबित कर देती कि उसकी सबसे बड़ी फैन मैं ही हूँ। टेक केयर।